आज कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। दोस्तों ये चटपटी कहानी है मेरी बेटी रविंदर की, नहीं 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 रावी की, ओए नहीं रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये सारा चक्कर क्या, वो साड़ा पिंड है धर्मपुरा, इसकी सारी जमीन वैसे है तो हमारे पापा जी यानी सरपंच जसपाल सिंह चौधरी जी, लेकिन पिंड के ज्यादातर लोग ना इसी पर गुजर बसर करते हैं। हमारे पापा जी के पापा जी ने वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो ये पिंड पापा जी के बदमाश और लालची भाई शमशेर के हाथों में चला जाएगा। अगर ऐसा होता ना तो वो शमशेर सारी जमीन बेच पास डाल और यहाँ बन जाता कोई शॉपिंग मॉल, फिर साढ़े पिंड वाले कितने जानते। लेकिन हुन पै गया स्यापा, पापा जी को चाहिए था वारिस और मुझे यानी अमृता को पैदा हो गई बेटी। मैंने इस पिंड को बचाने के लिए अपनी प्यारी और समझदार सी बेटी रावी को अपना क्यूट लेकिन शैतान सा पुत्र रविंदर बना दिया, और सिर्फ पापा जी और दुनिया के सामने। रविंदर का राज पता है मुझे, जसवीर वीर जी और उनके बेटे रोहन को, यानी लाइफ च लग गया तड़का तो रावी बन गई लड़का। चले भी समोसे और पकौड़े की खुशबू आ रही है। पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। ए, बिल्ली को पकड़ लिया। बिल्ली को तू यहाँ क्या कर रही है? अरे इस पेड़ ने मुझे नहीं पकड़ा है, ये तो गर्मा गर्म समोसे पकौड़े और जलेबी सूंघ कर यहाँ आया है। चलो ना हम फिर से खेलते हैं। चलो हाँ चलो चलो चलो। अरे रोहन तो तू मेरे पकौड़े जलेबी और समोसे नहीं खाएगा? अच्छा तू इतना जिद कर ही लिए तो मैं खा ही लेता हूँ, चल दे। तुमने इतने सारे ये गर्मा गर्म कहाँ से लाए? ये तो मेरे पापा ने दिया है। मेरे लिए? हाँ और नहीं तो क्या, मैं तेरे जैसे थोड़ी ना हूँ। मेरी जैसी मतलब? मतलब मैं तेरी तरह अकेले सब कुछ नहीं खाती हूँ। आज मुझे सब खिला दे, कल मैं भी तुझे खिलाऊंगा। खा ले, लेकिन मैं तुझे एक चीज दिखाना चाहती हूँ। अरे चीज भी सब बाद में, पहले मैं थोड़ा और खा लूँ। अगर तू रोज ऐसे गर्मा गर्म जलेबी मेरे लिए लाती रहेगी ना तो ऐसे ही हम दोनों एक बार फ्रेंड्स बन सकते हैं। मेरे खिलाने का मतलब तो तुझे बाद में समझ आएगा रोहन, खाए जा खाए जा। वीडियो गेम। किसने दिलाया? रविंदर। मम्मी बुलाई, अभी आए मम्मी। कितना सुंदर है, क्या क्या हो सकता है इसमें? मैं बहुत कुछ हो सकता है, फेसबुक ट्विटर और ईमेल भी, और न जाने क्या क्या हो सकता है। आज के जमाने में किसके पास मोबाइल और वीडियो गेम्स नहीं है, वो जमाने के साथ नहीं है। जमाने के साथ होने के लिए मोबाइल की जरूरत होती है? हाँ हाँ। इसका मतलब हम जमाने के साथ नहीं है? नहीं। मैं हमेशा ऐसी चीज चाहता था जिसमें दुनिया भर की जानकारी हो। तू चाहता था तो मैं भी चाहता था। अब मेरे पापा जी मुझे ये सब खरीद के नहीं देंगे। किसी के पापा नहीं देंगे, लेना पड़ता है। लेना पड़ता है मतलब? मतलब ड्रामा करना पड़ता है, जिद करनी पड़ती है, भूख हड़ताल करनी पड़ती है। भूख हड़ताल? तूने भूख हड़ताल किया? हाँ। अच्छा कितने मिनट? अरे मिनट नहीं पूछ, कितने दिन? दिन? ना बाबा ना, मैं तो एक मिनट के लिए भी भूखा नहीं रह पाता, तो फिर भूख हड़ताल कैसे करूँगा? तो फिर भूल जा कि तुझे वीडियो गेम या मोबाइल मिलेगा। मैंने 3 दिन तक हड़ताल किया था। 3 दिन? तब जाके उन्होंने ये सब ला कर दिया, लेकिन तुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तू पेटू है। मैं इसलिए इससे बात नहीं करता हूँ, देखना कैसे पेटू के घर चली गई। ठीक है तो बोला ना भाई। क्या? मैंने भी पढ़ा है।
अपनी बात मनवाने के लिए लोगों को भूख हड़ताल करनी पड़ती है। मैंने तो कभी नहीं किया है, तब तो भूख बहुत लगती है। मुझे भी नहीं पता है भाई, अगर तू करेगा तो मैं तेरा हिस्सा दे सकता हूँ। तू मेरा साथ देगा? हाँ, मर्दे दम तक। तो फिर मुझे भूख हड़ताल से कोई नहीं रोक सकता। यस। पापा जी। हाँ, प्रविंद ना खेलने जा रहे हैं? नहीं, मुझे मोबाइल चाहिए। ये ले। अरे ये वाला नहीं, मेरा वाला मोबाइल। मुझे नया मोबाइल दिलाओ ना, मोबाइल और वीडियो गेम। अरे मोबाइल ते वीडियो गेम कितने पेड़ पे लगते हैं, तो तुझे मैं तोड़ के दे दूंगा। है तो तुझे मोबाइल और वीडियो गेम से क्या काम है? तू घर से या तो स्कूल जाता है या फिर सीधा रविंद्र के घर, ना तुझे वहाँ फोन की जरूरत पड़ेगी ना रविंद्र के घर से। है ओए पुत्र, तू पंजाब का पुत्र है, शेर पुत्र। ये वीडियो सीडियो गेम खेलने की कोई जरूरत नहीं है। तू मैदान में जाके खेल, तू मैदान में जाके खेलेगा तो तेरी सेहत बनेगी, तू तंदुरुस्त रहेगा एकदम। और मोबाइल और वीडियो गेम से खेलेगा तो कमजोर हो जाएगा एकदम, कांगड़ी पहलवान हो जाएगा, समझा? तू जा काम कर, मैं खेलने जाता हूँ। मेरा मतलब तू खेलने जा, मैं काम करने जाता हूँ, मुझे पंचायत में ये पैसे देने जाना है किसी को, समझा? चल। क्या हुआ रोहन, तू इतने गुस्से में क्यों खड़ा है? पापा जी ने मोबाइल और वीडियो गेम लाने से मना कर दिया, बोला कि बहुत महंगी चीज होती है और तुझे उसकी जरूरत भी नहीं है। सही कहा उन्होंने, तुझे क्या जरूरत थी उसकी? अगर जेमी के पास है मोबाइल तो मेरे पास क्यों नहीं हो सकता? ओए अमन, तुझे किसी ने देखा तो नहीं? अरे नहीं, ये बता तेरा किसी ने पीछा किया? नहीं। तू बता कि तेरे पापा ने वीडियो गेम और मोबाइल के बारे में क्या कहा? वो नहीं माने। अरे मुझे पहले से ही पता था, वो नहीं बोलेंगे। अब क्या करे? मेरे पास एक आइडिया है, जेमी ने जो कहा था वही करना होगा। भूख हड़ताल? नहीं नहीं, मुझे तो ये सोच के ही चक्कर आ रहे कि मैं कैसे भूखा प्यासा रह सकता हूँ। उसकी चिंता तू मत कर, तू बस भूख हड़ताल कर दे, मेरे पास एक प्लान है। जल्दी बोलता क्या है यार, बता तो थोड़ा तो। नहीं, वो प्लान किसी को नहीं बताना है, बस इतना समझ ले कि तेरे पेट में चूहे ना दौड़ना चाहिए, बस तू वीडियो गेम और मोबाइल का सोच। ना मजा आएगा जब मैं मोबाइल से खेलूंगा, तू वीडियो गेम से खेलेगा, तू मोबाइल से खेलेगा तब मैं वीडियो गेम से खेलूंगा, कितना मजा आएगा। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी।